अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू योर चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा, पैकिंग गाइड फॉर यूके। तो वो आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको मौसम दिखाता हूँ। आज छुट्टी का दिन है, घर पे हूँ। बड़ा ज़बरदस्त मौसम हुआ हुआ है, बहुत ज़बरदस्त मौसम हुआ हुआ है। धूप भी निकली हुई है, बादल भी हैं, अभी अभी बारिश हुई है, और उसके बाद ज़बरदस्त फ्रेश एयर हो गई है। ये देखिए व्यूअर्स, क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह मौसम हुआ हुआ है। नाइस वेदर। ओके, व्यूअर्स चलें डिस्कस करते हैं टॉपिक और आपको बताते हैं कि पैकिंग गाइड आपने यूके क्या क्या लेके आना है। तो लेट्स स्टार्ट विद यू। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि दूसरों का भी इससे फ़ायदा हो जो यूके आ रहे हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, तो जिन लोगों ने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया उनको मैं बताता चलूँ, माय नेम इज़ वकास मिर्ज़ा और मैं यूके से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल के ऊपर लेके आता रहता हूँ। चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, डिपेंडेंट वीज़ा हो, स्पॉन्सरशिप हो, इमिग्रेशन हो, स्किल वर्कर वीज़ा हो, यूके गवर्नमेंट रूल्स एंड चेंजेज़ हो, वो सब वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं चैनल पर लेके आता रहता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपसे वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिस ना हो, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनका भी इससे फ़ायदा जो कि यूके आने का प्लान कर रहे हैं। व्यूअर्स, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इन एंड डिस्कस करते हैं पैकिंग गाइड फॉर यूके, व्हाट थिंग्स यू नीड टू ब्रिंग टू यूके जब आप यहां पे आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जिनका वीज़ा लग गया है उनको बहुत बहुत मुबारक हो, जिनका इन प्रोसेस है वो फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आपका भी वीज़ा लग जाएगा और आप यूके अब्रॉड ज़रूर आएंगे और अपनी ड्रीम्स पूरी करेंगे। तो चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना ली है, ताकि मेरे से मैं सब पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँ और कोई चीज़ मेरे से मिस ना हो जाए, ताकि आप अपनी पैकिंग अच्छे तरीके से कर सकें। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट में बात करते हैं, आप यूके आ रहे हैं तो आपको दो बैग्स चाहिए होंगे। अच्छा, दो बैग्स इन अ सेंस, आप अगर एज ए कपल आ रहे हैं तो फिर आपको दो बैग्स चाहिए होंगे, लेकिन अगर आप सिंगल आ रहे हैं, एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं, तो आपको एक बड़ा अटैची बैग चाहिए। इसके अलावा आपको एक लैपटॉप बैग चाहिए। और यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ कि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेके आए, ताकि जो इम्पोर्टेंट सामान है आपको यहाँ पर आके पैसे खर्च ना करने पड़ें, आप पैसे वो सेव रखें। और क्योंकि जब तक आपकी जॉब नहीं हो जाती, तो जब आप रुपीज़ को कन्वर्ट करेंगे अपनी करेंसी को यूके पाउंड्स में, तो फिर आपको काफ़ी फील होगा कि यार पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने मुल्क से लेके आएँ और सेव करें पैसे, कम से कम कोशिश करें खर्च करें। अच्छा, सबसे पहले बैग्स है, तो इसके अंदर मैं एक पॉइंट ऐड कर दूँ कि आप जो फ़्लाइट बुक कर रहे हैं, ज़्यादा सामान की बात हुई है तो फ़्लाइट जो बुक कर रहे हैं, कोशिश करें कि आप वो फ़्लाइट बुक करें जिसके अंदर आपको ज़्यादा सामान अलाउ है। लाइक 40-45 kg में भी ज़्यादातर फ़्लाइट जो हैं वो 25 से 27 kg प्लस 7 kg आपका हैंड कैरी होता है वो अलाउ करती हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप वो फ़्लाइट बुक करें जिसके अंदर ज़्यादा वेट अलाउ है, ताकि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेके आ सकें और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप पहले अपने एक साल में आप गुजारा करें, 6 महीने साल गुजारा करें और आप पैसे ना लगें, आप एक सेटल डाउन हो जाएं यूके और फिर आप यहाँ जो अर्निंग कर रहे हैं उससे यहाँ पे स्पेंड भी कर सकते हैं, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। शुरू में आप ख्याल रखें, जो जो आप पैसे लेके आएँ उसको सेव रखें। अच्छा जी, नेक्स्ट जो बात आती है कि आपने लैपटॉप बैग लेके आना है। लैपटॉप बैग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपने लैपटॉप अपने साथ लैपटॉप बैग कैरी करना है, उसके अंदर आपके ज़रूरत की सामान, आपका लैपटॉप हो सकता है, आप स्टूडेंट हैं तो आपका पावर बैंक होगा, आपके चार्जिंग केबल्स होंगी, थोड़े बहुत स्नैक्स होंगे खाने के लिए जो आप रस्ते में भूख लग जाए, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग में आपको टाइम लग जाता है। अगर आप लोकल जॉब, आप बहुत लगी हैं, आप लोकल जॉब कर रहे हैं अपने घर जहाँ रहाइश है वहाँ उसके पास, तो फिर तो आपको इतनी ट्रैवलिंग नहीं करनी। लेकिन अगर आप डिस्टेंस में, मोस्टली यहाँ पे ज़्यादातर अगर आप लंदन के सराउंडिंग में रह रहे हैं, तो फिर आपने लंदन में अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको 1-1.5 घंटा यहाँ पर लग जाता है ट्रैवलिंग में। ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूके का ज़बरदस्त है,
उसका मसला नहीं है, लेकिन है कि आप ट्रैवलिंग में 1-1.5 घंटा लगेगा वन साइड, तो ये है कि आपने लैपटॉप बैग, आपको खाने पीने की चीज़ें, आपको स्नैक्स, और आप उसके लिए आपको लैपटॉप बैग एक साथ में रखना है जी व्यूअर्स। इसके साथ साथ आप अपने साथ एक वेस्ट बैग ले लें जो आप अपने वेस्ट पे लगाएं, क्योंकि उसके अंदर भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी कोई भी आप छोटी मोटी चीज़ें आप अपने वेस्ट बैग के साथ लगा सकते हैं, तो वो अपने साथ एक आप रख लें। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स अपने साथ आपने ज़रूर लेके आने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में आपका सबसे पहले नंबर पे आता है पासपोर्ट। जब आप अपने कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ से भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपका पासपोर्ट मेन आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है जो कि आपको हर जगह शो करना है, और वो बहुत ज़रूरी है। तो पासपोर्ट अपने साथ आपने लाजमी लेके आना है, और जाहिर बात है उसके बगैर तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। हाँ जी व्यूअर्स, इसके अलावा आप ले आए अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस या परमिट भी उसे कहते हैं, वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। आपने उसे ज़रूर UK लेके आना है। जो लोग इस्लामाबाद पाकिस्तान से हैं, तो मैं क्योंकि इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ, मैंने वहाँ पर ये यहाँ पे मैं वीडियो का लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट, आप चैनल पे जाके देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा वीडियो में। तो वो इस्लामाबाद फैसिलिटेशन सेंटर से मैंने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लिया था जो कि 1 साल के लिए वैलिड है, और आप UK में आके आप उस पर ऊबर कर सकते हैं। या क्यों ड्राइविंग लाइसेंस लाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजॉरिटी 50% ऑफ़ दी जॉब्स ये है कि आपकी अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में आपसे पूछते हैं आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, तो आप उन्हें मेंशन कर सकते हैं मेरे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है जो कि मैं 1 साल अलाउ है UK में उस पर ड्राइव करना। मीनवाइल आप यहाँ पे UK लाइसेंस का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोविजनल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं आके, जो कि एक लर्निंग लाइसेंस होता है, और फिर उसके बाद आप ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट क्लियर करें और फिर ड्राइविंग टेस्ट UK का, तो उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आपने फ्रॉम दी वर्ड गो आपने आते साथ ड्राइविंग करनी है, आपने ऊबर का प्लान किया या सिक्योरिटी जॉब्स का प्लान किया, तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस आपने ज़रूर लेके आना, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। तो वो आपको इस्लामाबाद फैसिलिटेशन सेंटर से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको लाजमी लेके आना है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बेसिकली आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बताता है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उस कंट्री में जहाँ से आप आए हैं, और वो जॉब्स अगर आप प्लान कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, मोस्टली लोग सिक्योरिटी में पूछते हैं, तो वो वहाँ पे आपको जमा कराना है। इवन इसके अलावा कई और कंपनीज़ भी हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे आके वो DBS टेस्ट वो ख़ुद करवा लेते हैं, या कुछ कंपनीज़ आपको कहती हैं वो आप करवाएं। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कितने का है, 25 से 40 pounds के दरमियान उसकी फ़ीस है, तो वो आप DBS वो करवाते हैं, लेकिन वो इधर आने के बाद। लेकिन फ़िलहाल ये है कि आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपने साथ लेके आना है जो कि 6 months के लिए वैलिड है। लेकिन ये है कि कुछ यहाँ पे सिक्योरिटी इदारों से मेरी बात हुई थी, तो वो कहते हैं कि एक दफ़ा ये आपको इशू हो गया तो नो प्रॉब्लम, अगर 6 months के बाद, मतलब उसके बाद भी आप बैच ऐसे ये बैच के लिए अप्लाई करते हैं सिक्योरिटी लाइसेंस बैच के लिए, तो आपका स्टिल वो वैलिड है, हम उसे कंसिडर कर लेंगे। लेकिन आप कोशिश यही करें कि आप जितना आपकी मतलब वीज़ा आपका करीब आपने अप्लाई किया उससे कोई 1-2 हफ्ते पहले ही आपको उसी वक्त मौके पे मिल जाएगा, आप जाके इस्लामाबाद फैसिलिटेशन सेंटर से लें या अपने किसी भी इदारे से जो आपके कंट्री में है, आप इंडिया से हैं वहाँ से, तो आपको आप 1-2 हफ्ते पहले लेके आएँ, क्योंकि वो 6 months के लिए वैलिड होता है। और आते सार आप कोशिश करें कि आप सिक्योरिटी बैच के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए अप्लाई कर दें, जो कि तकरीबन आई थिंक 300 से 350 के दरमियान इनिशियल ट्रेनिंग के, और बाद में आपने लाइसेंस का अप्लाई करना होता है 200-250 pounds टोटल, तो इन टोटल आपके पास 500-600 pounds होने चाहिए ऐसे ये बैच अप्लाई करने के लिए। US डॉक्यूमेंट्स में नेक्स्ट आपके पास आपका कैश लेटर आ जाता है। कैश लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपकी यहाँ पर इमिग्रेशन होगी UK में इंशाल्लाह, तो वो ये है कि आपको कैश लेटर आपका पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं मांगे आपसे। मेरा इमिग्रेशन बड़ी स्मूथली हुई थी, तो वो ये है कि मुझसे नहीं पूछा गया, मैं यहाँ पे डिपेंडेंट वीज़ा पे आया, मेरी वाइफ एज ए स्टूडेंट है, लेकिन हमें आप कॉन्फिडेंट हो तो आपको कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है, आप से जस्ट किधर जा रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी है, और बस मेरे से हमसे 2-3 question हुआ है, आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आपके चेहरे पर टेंशन नहीं होगी,
तो आपको ज़्यादा उम्मीद है क्वेश्चन भी नहीं आ पाएगी, आपका इजीली इमिग्रेशन हो जाएगी। तो यह कि लेकिन कैश लेटर का मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ, आपको कैश लेटर अपने जो लोग कंसल्टेंट्स के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो यह कि कई चीज़ें वो खुद ही कंसल्टेंट सारा कर रहे होते हैं, आपको नॉलेज नहीं होता। कोशिश करें आपको हर स्टेप का आपके पास नॉलेज हो, आपको फ़ीस पता हो टोटल फ़ीस कितनी है मेरे कोर्स की, आपने कितनी पे कर चुके हैं इनिशियल डिपॉज़िट, कितनी आपकी रिमेनिंग फ़ीस है, नेक्स्ट फ़ीस आप कब पे करने लगे हैं। ये सिर्फ आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं करें आपसे, लेकिन अगर आपसे किए जाएं तो आपको इनका आंसर्स पता होना चाहिए। आपको अपने मॉड्यूल्स टर्म्स मॉड्यूल जो आपके कोर्स में है, मास्टर डिग्री करने आ रहे हैं या बैचलर्स, तो वो आपको पता होना चाहिए बाय हार्ट कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप, तो आपको मतलब मुँह ज़बानी आपको चीज़ें सारी पता होनी चाहिए, इन केस आपसे पूछ लें आपको पता हो। और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं वो आप अपने साथ लेके आए, एक्सपीरियंस आपका क्या क्या है, क्योंकि आपको बुरे वक्त का नहीं पता आपसे पूछा जाए, तो आपकी हर चीज़ है। और ये सारे आपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने हैं अपने लैपटॉप बैग में, जो आपका कैरियर बैग होगा उसमें आपने कैरी करने हैं, क्योंकि जो आपका लगेज बैग है वो तो सबमिट हो जाएगा, वो तो जमा आपने करा दिया, और जब आप यूके एयरपोर्ट लैंड करेंगे वहीं पे आपकी इमिग्रेशन क्लियरेंस के बाद जाके आप अपना लगेज बैग ले सकते हैं। तो ये गलती नहीं करनी कि आपने डॉक्यूमेंट्स उसमें रख दें, वो आपने जो लैपटॉप बैग अपने साथ रखेंगे कैरियर बैग, वो उसके अंदर आपने अपने ये डॉक्यूमेंट्स सारे रखने हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं ऐड करता चलूँ, बैंक स्टेटमेंट भी अपनी लाजमी ले कर आएँ कि उसका प्रिंट आउट ले आएँ, और प्रॉपर स्टैम्प और साइन हो मैनेजर के कि आपके पास इतने फंड्स हैं, इन केस आपसे पूछ लिया जाए तो आपके पास होनी चाहिए कि प्रूफ ऑफ फंड्स के हाँ मेरे पास इतने मनी है मेरे अकाउंट में और मैं अपनी इजीली अपनी स्टडी अफोर्ड कर लूँगा यूके में। हाँ जी व्यूअर्स, नेक्स्ट हम आते हैं क्लोज की तरफ, आपको क्लोज कौन से रह के आने हैं। तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पर वेदर जो है ना अनप्रिडिक्टेबल है। आप तीन चीज़ें हैं, WWW, वेदर, वुमेन एंड वर्क, आपको कोई गारंटी नहीं है आपके किसी भी वर्क यहाँ पे जा सकते हैं आज से, तो वेदर का कोई भरोसा नहीं है। अभी धूप होगी तो अभी एकदम बारिश स्टार्ट हो जाएगी, तो वेदर आप अपने साथ अम्ब्रेला भी कैरी करनी पड़ती है आपको, क्योंकि बारिश कब हो जाए आपको नहीं पता। तो क्लोज में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपको जैकेट्स नंबर वन आपको अपने साथ लेके आनी है। अगर आप सिक्योरिटी की जॉब का आपने प्लान किया हुआ है, माइंड बनाया हुआ है कि मैं सिक्योरिटी की जॉब करनी है, तो आपने प्लेन सिक्योरिटी की जो प्लेन जैकेट है उसके ऊपर कोई लोगो शोगो ना हो, आप प्लेन ब्लैक जैकेट लेके आएँ सिक्योरिटी की। और कोशिश करें वो जो, क्योंकि यहाँ पे बारिशें मोस्ट बहुत ही कॉमन है कि यहाँ पे सर्दियों में बारिशें होती रहती हैं, और मतलब मैं दिसंबर से आया हूँ, कुछ मंथ्स ही आपके धूप मतलब समर्स के आएंगे जिसमें धूप होगी, लेकिन यह है कि आपको मोस्टली यहाँ पे ठंड रहती है, बारिशें होती रहती हैं ख़ास तौर पे विंटर्स में। मैं लास्ट ईयर अक्टूबर में आया था, अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक तो थ्रू आउट ठंड रहती है और आपको बारिशें होती रहती हैं मुसलसल। तो आपको वाटरप्रूफ आपने जैकेट लेके आनी है, वाटरप्रूफ हो, मोटी जैकेट लेके आए, गर्म हो, ठीक है, यहाँ पे माइनस में भी टेम्परेचर जाता है, तो जैकेट्स आपने गर्म लेके आनी है। सिक्योरिटी का माइंड है तो प्लेन जैकेट, कोई लोगो शोगो फ्रंट बैक पे नहीं होना चाहिए। और इस तरह आप तकरीबन 2 से 3 जैकेट अपने पास ले आएँ, क्योंकि अब ज़्यादा आप ला नहीं सकते, क्योंकि आप सामान थोड़ा थोड़ा रखेंगे तो आपका, अगर ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ़ दी फ्लाइट्स आपको 25-30 के जी अलाउ करेंगी, मे बी 35, तो वो आप कुछ कुछ चीज़ें रखेंगे तो आपका लिमिटेड चीज़ों में ही आपका वो उतना वेट बन जाएगा। तो आप ज़्यादा नहीं चले, मुनासिब ले आएँ जो कि आपका गुजारा हो जाए। मैं भी जो अभी तक लेके आया था अपने साथ, मेरा वही कपड़े चल रहे हैं, इवन ये टी शर्ट मेरी पाकिस्तान की है पोलो शर्ट, तो गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि आप 2 से 3 जैकेट अपने साथ लाजमी लेके आएँ, वाटर प्रूफ हो। और नेक्स्ट हम बात करते हैं शर्ट्स की। अब शर्ट्स अगर आप सिक्योरिटी जॉब का सबसे पहले मैं बात करूँगा, आप उसके माइंड सेट से आ रहे हैं, तो आपने 2 से 3 वाइट शर्ट लेके आनी है। ब्लैक भी कुछ जगह पे चल जाती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दी जगह मैंने यही देखा है वाइट शर्ट आपकी होती है। वाइट ड्रेस शर्ट आप लेके आए, टी शर्ट बहुत ही गिनी चुनी जगह पे चलेगी, ड्रेस शर्ट्स मोस्टली चलती हैं। तो 2 से 3 एटलीस्ट आप ड्रेस शर्ट लेके आए वाइट कलर में। और शर्ट्स में बाकी ये है कि अगर आप इस तरह की बात करें पोलो शर्ट जैसे मैंने पहनी है कॉलर वाली,
तो ये मैं पाकिस्तान में भी मैं जॉब कर रहा था तो मैं वहाँ पे भी पहन लिया करता था ड्रेस शर्ट इस तरह पोलो शर्ट, कंफर्टेबल रहता है बंदा। लेकिन ये आपकी चॉइस है, पता नहीं आपको पहनना पसंद है इस तरह की पोलो शर्ट्स के नहीं। तो आप तकरीबन मेरे साथ, मैं अपने साथ ये तकरीबन 6-7 पोलो शर्ट्स लेके आया हुआ। इसके अलावा आप जो टी शर्ट्स होती हैं गोल गले वाली, तो वो टी शर्ट्स आप अपने साथ जितनी ज़्यादा ला सकते हैं वो आप तकरीबन 7-8 ले आएँ, 10 ले आएँ, क्योंकि टी शर्ट्स का इतना वेट भी नहीं होगा और ज़्यादा आपको चाहिए होंगी यहाँ पे, क्योंकि मौसम ठंडा रहता है तो आप ठंड में कपड़े इतनी जल्दी सूखते नहीं हैं। तो आपको रोज़ाना अगर चेंज करना है या 2 दिन बाद, तो वो ये है कि आपका पास इतने हों कि आप पहन सकें, यही नहीं कि रोज़ाना एक ही शर्ट पहननी है। तो आपके पास तकरीबन 8 से 10 टी शर्ट लाजमी होनी चाहिए, वो लेके आए अपने साथ। इसके अलावा ये है कि टाई, सिक्योरिटी जॉब कर रहे हैं तो आपने अपने साथ टाई लेके आनी है, ब्लैक टाई एक भी चल जाएगी। अगर आपने 2 रखनी है, 2 ब्लैक टाई रख लें तो वो आपको चाहिए होगी। इसके अलावा आपने सिक्योरिटी जॉब में ज़्यादातर सूट चलता है, तो आपने ड्रेस पेंट और कोट आपके पास ब्लैक होना चाहिए। क्योंकि तो डिपेंड करता है, सिक्योरिटी की जॉब्स आपकी यहाँ पे डोर सिक्योरिटी जॉब भी हो सकती है, यहाँ आपका कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हो सकती है, मतलब रिटेल स्टोर पे भी हो सकती है कि आप शॉपिंग सेंटर के बाहर या शॉप्स के बाहर आप सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं, या फिर आप कंपनीज में कर रहे हैं का, तो कंपनी वाली कंपैरेटिवली बहुत रिलैक्सिंग जॉब होती है। बस आपने 2-3 घंटे बाद राउंड जाके मारने, आपने स्कैन करने कोर्स और आके सीट पे बैठ जाएं। तो लेकिन यह है कि अगर कंपनीज़ में है तो वहाँ पे आपको मोस्ट लाइकली आपको सूट पहनना पड़ेगा, लेकिन अगर आप रिटेल स्टोर में हैं वहाँ भी मेजॉरिटी ऑफ़ दी जगह आपको सूट पहनना है, लेकिन अगर आप कहीं आउटडोर हैं तो आपको फिर मोटी जैकेट चाहिए होगी ब्लैक कलर की। लेकिन अपने साथ दोनों रखें, जैकेट भी रखें और ब्लैक सूट रखें, कोट ब्लैक कोट ब्लैक ड्रेस पैंट, ठीक है, वो आप अपने साथ अपने हिसाब से रख लें। एक रखना है, एक नहीं तो 2 आप एटलीस्ट रख के आएँ। इसके अलावा हम बात करते हैं, अगर आप स्टूडेंट भी आ रहे हैं तो अगर आपको मे बी प्रेजेंट करना पड़े तो आपने कोई सूट वगैरह आप अपने साथ रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने साथ एक रख लें सूट, या कहीं इंटरव्यूज़ वगैरह आपने देना है। तो मोस्टली मैं भी सूट पहन के गया था इंटरव्यूज़ में, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी IT की जॉब कर रहा हूँ, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह मुझे IT जॉब मिली और कैसे आपने उसके लिए अप्लाई करना है। तो उसके लिए मेक श्योर करें चैनल को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब कर दें। तो आगे जी चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब शर्ट्स वगैरह आप अपने साथ, आप क्लोथिंग अपने साथ ले आएंगे तो आपका 1 साल गुजारा अच्छा हो जाएगा। फिर यह कि आप अगर बॉक्सिंग डे जो कि आपका नवंबर में आता है और क्रिसमस, आपको इन पे सेल्स बहुत ज़्यादा लगती हैं, तो आप इसमें डिस्काउंट पे ले सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यह है कि कुछ जगह यहाँ पे आप जाएँ तो प्राइमार्क वगैरह से, अगर आपको मैं आइडिया के लिए बताऊँ तो प्राइमार्क यहाँ पे एक क्लोथिंग ब्रांड है, आपको बहुत सस्ते और अच्छे मुनासिब रेट पे एक अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ मिलती है। तो 5 to 6 पाउंड्स में आपको टी शर्ट यहाँ पे मिल जाएगी, और लेकिन आप ब्रांड्स की तरफ जाएं तो वहाँ 25, 30 या 50 पाउंड्स तक भी आपको शर्ट मिलेगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपने मुल्क से लेके आएँ, वहाँ पर आपको सस्ता होगा, आपका गुजारा अच्छा हो जाएगा शुरू में। हाँ जी, तो नेक्स्ट मैं बात करूँ तो आप स्वेट शर्ट्स अपने साथ लेके आएँ। स्वेट शर्ट्स बेसिकली आप अंदर आप इनर वेयर की होती हैं, अंदर से वो गर्म मटेरियल होता है आपका, तो वो आपको सर्दियों में क्योंकि टेम्परेचर माइनस तक भी जाएगा तो वो आपको इंटरनली गर्म रखेंगी। तो स्वेट शर्ट्स प्लस आप जो गर्म पजामे होते हैं आपने अपने पैंट जीन्स के नीचे या वो पहनने हैं, तो वो अपने साथ आप स्वेट शर्ट्स 2 से 3 लेके आएँ और गर्म पजामे 2 से 3 लेके आएँ। अगर आप ट्राउज़र्स नहीं मिल रहे तो मैंने यहाँ पर प्राइमार्क से लिया था, आई थिंक 6 to 7 पाउंड्स का इनर ट्राउज़र, उसे पजामा कहते हैं, जो गर्म होता है तो वो आपको बहुत वार्म रखता है। तो वो ये है कि यहाँ पे 6 to 7 पाउंड्स का आपको प्राइमार्क से मिल सकता है, नहीं तो आप अपने मुल्क से भी ले आएँ तो आपकी बचत हो जाएगी। हाँ जी व्यूअर्स, तो मोस्टली यहाँ पे ये है कि आप पे डिपेंड करता है आपकी चॉइस, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दी जगह यहाँ पर ट्राउज़र्स ज़्यादा पहने जाते हैं, तो अपने साथ ट्राउज़र्स आप ले आएँ जितने आप देख आपको मुनासिब लगते हैं, 3 से 4 एटलीस्ट रख लें, या आप 5 रख लें, ट्राउज़र्स रख लें, क्योंकि आपकी डिपेंड करता है। अब मेरा माइंडसेट डिफरेंट है, मैं जॉब करता हूँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह IT की, तो मैं वहाँ पे मोस्टली मैं जीन्स या कॉटन पैंट मैं इस तरह पहनता हूँ, वहाँ पे ट्राउज़र्स भी मेरे कुछ क्लीग पहनते हैं, लेकिन मेरा माइंडसेट नहीं है मैं ट्राउज़र्स नहीं पहनता, मैं अपना ड्रेस पैंट या जीन्स ज़्यादा, ड्रेस पैंट तो नहीं बहुत कम, जीन्स या कॉटन वेयर
पैंट्स पहनता हूँ वहाँ पे, तो वो अपने साथ आपने ट्राउजर्स, या आप अगर आपका माइंड सेट आपने इस तरह की जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो आप अपने साथ कॉटन पैंट्स और जीन्स भी रख सकते हैं। तो वो अपने साथ आप 3-4 जीन्स या कॉटन पैंट्स रख लें और 2-3 ट्राउज़र अपने साथ ज़रूर रखें। अच्छा, इसके अलावा ये है कि शूज़ की बात करें तो शूज़ आपने सिक्योरिटी जॉब डेफिनेटली कर रहे हैं तो आपने ब्लैक शूज़ लेके आने हैं, और ब्लैक शूज़ कोशिश करें कि वाटरप्रूफ हो, और क्योंकि वाटरप्रूफ, यहाँ बारिश होती रहती है तो वाटरप्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा ये है कि वाटरप्रूफ हो क्योंकि यहाँ पे शूज़ काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, आपको प्राइमार्क से थोड़े सस्ते मिल जाएंगे, तकरीबन आई थिंक 40-50 पाउंड्स या मे बी 30, लेकिन यह है कि जहाँ जितने भी ब्रांड्स हैं मोस्टली वहाँ पे आपको शूज़ 120 पाउंड्स, 150 पाउंड्स, अगर सेल का सीज़न चल रहा है तो फिर आप कहीं जाके वो 70 पाउंड्स के मिलेंगे, तो आप कन्वर्ट कर लें, पाकिस्तान का रेट आजकल 360 है तो उसे आप मल्टीप्लाई कर लें 70 से, तो कितनी बात आगे जाती है। तो आप कोशिश करें आपकी बचत हो, आप स्टार्टिंग में आके ख़र्चा ना करें, तो आपने शूज़ अपने साथ 2-3 पेयर ले आएँ, इससे ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर प्रेजेंटेशंस के लिए आपने ड्रेस शूज़ एक रख लें और फिर बाकी ट्रेनर्स रख लें, कोशिश करें वो कम्फर्टेबल हों क्योंकि यहाँ पे आपको वॉक बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। हाँ जी भैया, इसके अलावा आपने लानी है सॉक्स। सॉक्स ये है कि आप अपने साथ 4-5 लाइट सॉक्स लेके आएँ, और तकरीबन 4-5 अपने साथ आप गर्म सॉक्स लेके आएँ, जो कि सर्दियों में यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर जाता है तो वो आपको आपके पाँव गर्म रखे। तो आपने टोटल तकरीबन 8-10 जोड़े अपने साथ सॉक्स के रखने, क्योंकि वही बात है कि आप उन्हें वॉश नहीं कर सकेंगे इतने शॉर्ट टाइम में, और आप रोज़ाना जॉब पे बिज़ी होंगे तो यह है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, और सूखने में भी वो टाइम रहता है। तो आप 8-10 जोड़े कम अज़ कम अपने साथ सॉक्स के लेके आएँ। हाँ जी व्यूअर्स, इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप अपने साथ लेके आना है आपने यूनिवर्सल कन्वर्टेबल अडॉप्टर, क्योंकि यहाँ पे 3 पिन्स वाले, मैं यहाँ पे पिक्चर दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपके जो सॉकेट्स होते हैं 3 पिन वाले होते हैं, तो आपके मोस्टली एशियन कंट्रीज़ में 2 पिन वाले होंगे, तो वो आपने यूनिवर्सल कन्वर्टेबल अडॉप्टर लाजमी लेके आना है। कोशिश करें कम से कम 2-3 लेके आएँ, क्योंकि आपको ट्रैवलिंग में भी चाहिए होगा, कहीं आप जॉब कर रहे हैं, एक आप कोशिश करें वहाँ पे रख लें, 2-3 आपको घर में डिफरेंट सॉकेट्स में भी चाहिए हो, तो एटलीस्ट 2-3 आप लेके आएँ, इफ़ नॉट तो एक तो लाजमी अपने साथ अपने आप लेके आएँ। इसके अलावा ये है कि यहाँ पर आपको ग्लासेस अगर आप पहनते हैं तो ग्लासेस अपने साथ कम से कम 3 पेयर्स लाजमी लेके आएँ, अगर एक खुदा न खास्ता आपका टूट जाता है तो आपके पास बैक एंड पे 2 लाजमी होने चाहिए, क्योंकि ग्लासेस यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव बनती हैं, और यहाँ पे जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आपसे लास्ट 1 ईयर आपके यूके की मांगते हैं, तो वो आप यहाँ पे फिर आपको आई टेस्ट करवाना पड़ेगा जो कि तकरीबन 25-30 पाउंड्स का होता है, और उसके बाद अगर आप ग्लासेस लेने जाते हैं, क्योंकि मैं इससे पहले बूट्स में एज एन ऑप्टिकल कंसल्टेंट 2 मंथ्स जॉब की थी इनिशियल फेज़ जब यूके आया था वहाँ पर, उसकी भी जल्द वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो वो ये है कि आपको ग्लासेस यहाँ पे आपको एक्सपेंसिव पड़ जाएंगे, तकरीबन आपके 70 पाउंड्स अगर आप एक पेयर, 50-70 पाउंड्स अगर आप एक पेयर के लिए जा रहे हैं, और बूट्स में ऑप्शन थी कि आपको एक फुल प्राइस पे सेकंड हाफ प्राइस एंड थर्ड फ्री पेयर मिलता है, तो वो तकरीबन अगर आप आई टेस्ट कभी अंदर डालें तो 100-150 के दरमियान वेरी करता है, आप कौन से ब्रांड का वहाँ पे फ्रेम लेते हैं तो आपका इतने ख़र्चा आ जाता है। तो ग्लासेस आप अपने साथ लाजमी अपने एक्स्ट्रा लेके आएँ। इसके अलावा यह है कि आप जो क्रॉकरी की बात लोग करते हैं, क्रॉकरी यहाँ पे आप अगर स्लाउ आ रहे हैं, एक्सप्रेज आ रहे हैं, साउथ ऑल आ रहे हैं, या यहाँ पे इल्फिट आपका, यहाँ पे एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एशियन शॉप्स होते हैं, वहाँ पे आपको क्रॉकरी ईज़िली मिल जाएगी और सस्ते मुनासिब रेट पे मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाता है, बेलना, तवा, फ्राई पैन, हर चीज़ मिल जाएगा, तो उससे वेट ज़्यादा ही होता है, तो कोशिश करें वो ना लेके आएँ, बेलना आप ले आएँ या छोटी मोटी चीज़, लेकिन आप कोशिश करें उससे वेट ज़्यादा ही होगा, वो यहाँ पे अवेलेबल ईज़िली है, आप यहाँ से आगे ख़रीद लें, वो अपने साथ ना लेके आएँ। इसके अलावा ये है कि आप अपने साथ मेडिसन्स आप लाजमी लेके आएँ, अगर आप ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई और बीमारी के अगर आप है आपको खुदा न खास्ता, तो वो आप अपने साथ मेडिसन्स लाजमी लेके आएँ, लेकिन अगर आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो वो आप प्रिस्क्रिप्शन आपको डॉक्टर की चाहिए होगी, वहाँ पे आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके आएँ, जो जो मेडिसन्स आप कैरी कर रहे हैं उसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन बगैर आपको कैरी नहीं करने अपने साथ लेके आने देंगे, तो प्रिस्क्रिप्शन आपने डॉक्टर की लाजमी ले लेनी है, उसके सिग्नेचर्स हों, क्योंकि यहाँ पर यह है कि मेडिसन्स आपका हेल्थ
सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं है, आपको अपॉइंटमेंट लेट मिलती है। आप यहाँ पे सबसे पहले आके आपको जीपी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और उसके अंदर आपका माइनर चेकअप होगा, लेकिन ये है कि आपको अपॉइंटमेंट्स बहुत लेट मिलती हैं। इवन डेंटिस्ट का यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाती, साल डेढ़ साल तो रजिस्ट्रेशन में लग जाता है। तो वो ये है कि आपको अपॉइंटमेंट्स बहुत लेट मिलती हैं, मेडिकल इतना अच्छा नहीं है। तो कोशिश करें आप हल्की फुल्की पैरास्टामोल्स या इस तरह की चीज़ें, आप यहाँ पे विटामिंस की आपके पास आप चीज़ें ले आएँ, मेडिसन्स वो आपका, क्योंकि मौसम ठंडा रहता है, धूप बहुत कम निकलती है, तो अगर आपको विटामिंस रखनी है अपने साथ वो रख लें, तो मेडिसन्स अपने साथ लाजमी लेके आएँ। हाँ जी व्यूअर्स, इसके अंदर मैं ऐड करता चलूँ, यहाँ पे डेंटिस्ट की रजिस्ट्रेशन बड़ी मुश्किल से होती है और बहुत अरसे बाद जाके आपकी अपॉइंटमेंट मिलती है, साल डेढ़ साल भी लग जाता है। तो वो ये है कि आप एक दफ़ा डेंटिस्ट के ज़रूर हो के आएँ, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ या पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, वहाँ पे डेंटिस्ट एज़ कम्पेयर टू यूके बहुत चीप है। आप अपने दांत का चेकअप एक दफ़ा लाजमी करवा के आइए, आपने फिलिंग करवानी है, आपने रूट कनाल या कुछ आपको मसला है दांतों के साथ, तो वो ज़रूर चेक करवा के आएँ, क्योंकि आप यहाँ पे आएंगे आप सारे रेट्स आपके चेक करके 500-1000 pounds भी आपका लग जाता है, कोई पता नहीं। इवन आपकी आप शुरू में उनको सिर्फ चेकअप के लिए जा रहे हैं, उसके भी ठीक ठाक पैसे लग जाते हैं, अपॉइंटमेंट्स ही नहीं आपको मिलती, तो यह है कि वो तो दूर की बात है चेकअप। तो यह है कि आप कोशिश करें आप चेकअप करवा के आएँ, अपने दांत चेक करवा के आएँ। और यहाँ पर बारिशें होती रहती हैं, तो आप अपनी चॉइस है आपने यहाँ से आके अम्ब्रेला लेनी है कि नहीं, लेकिन मोस्टली यहाँ की अम्ब्रेलाज उस क्वालिटी की नहीं होती। तो आप पाकिस्तान से या इंडिया से आ रहे हैं, आप कोशिश करें कि आप एटलीस्ट एक तो लाजमी नहीं तो दो पेयर आप अम्ब्रेलाज के ज़रूर लेके आएँ। बेसिक स्टेशनरी अपने साथ लेके आएँ, आप स्टूडेंट हैं तो स्टेशनरी आप लेके आएँ, यहाँ पे आके ख़र्चा ना करें फ़ौरन आके। तो आप पेन पेंसिल शॉर्पनर अपना एक स्टेशनरी का बॉक्स ज़रूर लेके आएँ। इसके अलावा यह है कि आप लैपटॉप बैग आप अपने साथ कैरी करना होगा, ठीक है। तो लैपटॉप बैग में आप पावर बैंक आपके पास लाजमी होना चाहिए। ट्रैवलिंग यहाँ पे बहुत होती है, तकरीबन 2 से 3 घंटे आपको बोथ साइड्स आपको ट्रैवलिंग में लग जाते हैं। और अगर आप ऊबर कर रहे हैं या कोई और जॉब कर रहे हैं, तो आप अपने साथ पावर बैंक भी अपने साथ लाजमी रखेंगे। तो पावर बैंक रखना मत भूलिएगा। इसके अलावा यह है कि चार्जिंग केबल्स, चार्जर्स वो अपने साथ आप लेके आएँ लाजमी। और इसके अलावा यह है कि आप हेडफोन्स, अगर आप हेडफोन्स यूज़ करते हैं तो आप हेडफोन्स अपने साथ ले आएँ। और हाँ जी व्यूअर्स, बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर अगर मैं ऐड करता चलूँ पॉइंट, आप लैपटॉप, अगर आप स्टूडेंट हैं यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, तो लैपटॉप कोशिश करें अपने मुल्क से ही जो आप यूज़ कर रहे हैं वो ले आएँ, गुजारा करें यहाँ पे आके। आपको यहाँ पे चीज़ें फ़ौरन आके फ़ोन और लैपटॉप इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं मिलेंगे, आपको एक क्रेडिट हिस्ट्री अपनी बनानी होती है और उसमें काफ़ी टाइम, कुछ को 6 महीने, कुछ को साल डेढ़ साल भी लग जाता है कि क्रेडिट रन करते हैं जब आप कोई चीज़ परचेज़ करने जाएँ इंस्टॉलमेंट्स पे। इवन फ़ोन आईफोन का आपका प्लान है तो वो ये है कि आपका क्रेडिट चेक अक्सर फेल हो जाता है, क्योंकि आप यूके में नए हैं, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अभी बिल्ड नहीं हुई। तो यह है कि आप कोशिश करें बचत करें, लैपटॉप जो यूज़ कर रहे हैं वही यहाँ पर आके ले आएँ, आप गुजारा करें, फ़ौरन आके ख़र्चा ना करें, लैपटॉप ना लें, मोबाइल ना लें, और कोशिश करें आप पैसे सेव करें, अपनी फ़ीस वगैरह मैनेज करें, उसको पे ऑफ करें। तो यह है कि लैपटॉप और मोबाइल अपने साथ लाजमी लेके आएँ। और इसके अलावा अगर आप स्क्रीन प्रोटेक्टर्स, ग्लास प्रोटेक्टर जो होते हैं मोबाइल के, वो भी ले आएँ 2-3 extra, यहाँ पे वो काफ़ी महंगे हैं। तकरीबन 10 pounds का ग्लास प्रोटेक्टर है और 10 pounds का ही केस है, 20-25 pounds आपके ईजिली लग जाते हैं केस, स्क्रीन प्रोटेक्टर और केस लेने में, तो वो भी अपने साथ एक्स्ट्रा रख लें। व्यूअर्स, तो यहाँ पे एक डिबेट चलती है कि आपको स्पाइसेस अपने साथ मिर्च मसाले लेके आने चाहिए कि नहीं। यहाँ पे अगर आप एशियन कम्युनिटी सेंटर वहाँ पे आ रहे हैं, साउथ ऑल, स्लाओ, इल्फर्ड या इस जगहों पे, तो यहाँ पे एशियन शॉप्स बहुत हैं, आपको सब मसाले यहाँ पे मिल जाएंगे जो आपके कंट्री में हैं। तो मसाले मैं कहता हूँ उससे वेट आपका ज़्यादा ही होता जाएगा, और इस यह कि आप थोड़ा सा सामान रखेंगे तो आपको वेट आपका पूरा हो जाएगा। तो यह कि मसाले लाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा लगेज है, तो वो आप ईज़िली यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। मसाले वगैरह अपने साथ ना ले कर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आप ईज़िली यहाँ पर सर्च करें, आप आगे गूगल पे, गूगल मैप्स पर एशियन शॉप्स नहीं है मी, तो वो आपको सब शॉप्स अवेलेबल जो आपके नियर बाय एरिया में होंगी वो आपको शो कर देगा। आप इजीली वहाँ से जाके आप मिर्च मसाले और इवन हलाल चिकन आप यूज़ करते हैं, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे इजीली। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता चलूँ। आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रॉसरी वगैरह के लिए, आपको यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, सेंसबरी, टेस्को, एस्टा,
एसडा और लिडल सबसे चीपेस्ट स्टोर हो जाते हैं। इसके अलावा टेस्को के भी रेट्स अच्छे हैं, सेंसबरी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको मेंबरशिप आपने ली है तो कॉस्को से बल्क में आपको चीज़ें मिल जाती हैं, आपका 3-4 महीने सामान आपका आराम से गुजारा हो जाता है। लेकिन अगर आप तो कॉस्को से भी आप बल्क में चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन आप शुरू में आएंगे तो आप मोस्टली ये टेस्को सेंसबरी इस तरह के शॉपिंग सेंटर से आप ग्रॉसरी कर सकते हैं। अमेज़ॉन यहाँ पे वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ें, आपको स्टेशनरी कोई भी चीज़ चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए घर की, तो वो आप अमेज़ॉन से बुक कर सकते हैं। अमेज़ॉन पर आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगी, ऑनलाइन आप बुक करें आपको शॉर्ट टाइम में डिलीवरी घर पे मिल जाएगी। और यहाँ पे यह है कि अगर आपको फर्नीचर चाहिए तो आईकिया बेस्ट स्टोर है, आप आईकिया ऑनलाइन शॉपिंग करें या आप जाके स्टोर में भी इन शॉपिंग कर सकते हैं। आप बड़े रीज़नेबल रेट्स पे अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें आपको आईकिया से मिल जाएंगी। हाँ जी व्यूअर्स, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह की फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर लेके आता रहूँगा, तो उसके लिए मिस ना हो जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका इससे फ़ायदा हो, जो जो लोग प्लान कर रहे हैं अब्रॉड आने का यूके या किसी भी और कंट्री, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, तो यह है कि उनका इनसे इस वीडियो से फ़ायदा ही होगा। तो फर्दर इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें। मेजॉरिटी ऑफ़ दी ऑडियंस ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, एक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए चैनल पे लेके आने के लिए, बनाने के लिए। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है विद डिफरेंट टॉपिक एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। टिल देन अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।